बार हुंकार मीडिया की टीम गिटोरा गांव में मौजूद है। यहां हमारे साथ किसान यूनियन के कुछ लोग हैं, पीड़ित हैं। सतपाल मलिक जी यहां आए थे, यहां के गेस्ट थे आज के प्रोग्राम के। ये कुछ बता करके गए हैं कि किसान की आवाज़ नहीं सुनी गई तो कितना बड़ा प्रदर्शन होगा, कितना बड़ा देश को झेलना पड़ेगा। जो हमारे देश में भाजपा सरकार है या मोदी जी की सरकार है उसको झेलना पड़ेगा। ये बात करते हैं यहाँ के किसानों से। क्या नाम है साहब? नमस्कार जी, मैं सोनू तंवर जी, नोएडा महासचिव भारतीय किसान यूनियन अजगर से। अच्छा, तो एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया। सतपाल मलिक जो गवर्नर हैं आज मौके के, मेघालय से गवर्नर हैं, उनके टाइम पे 370 हटी थी कश्मीर से। क्या कहेंगे, कितना बड़ा ऐलान करके गए हैं यहाँ किसान यूनियन के लिए? आज अपनी यथा सरकार के बारे में उन्होंने जो भी कुछ कहा, मैं समपक्ष में कहना चाहता हूँ कि आपको भी उस बात से वो है कि कितने नाराज़ थे वो अपनी ही सरकार से, मोदी सरकार से, कि हर कलेक्ट्रेट पे, हर जिला कार्यालय पर जो प्रदर्शन जो हो रहे हैं ये किस कमी से हो रहे हैं। MSP की जो अभी जो टीम इन्होंने गठित करी है, किसानों के साथ जो धोखा करा है, सभी भाई जानते हैं, किसान भाई हैं सभी भाई जानते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है। MSP की कोई गारंटी नहीं है। जो मोदी जी ने 3 कानून वापस लिए थे उस टाइम पे एक अलाउंसमेंट किया था कि MSP पे गारंटी देगी सरकार, मिली गारंटी? देखो, ये तो किसानों के साथ सरासर धोखा किया है सरकार ने। वोट हर जो 105 वर्ष का व्यक्ति भी था ना, उसने भी वोट मोदी सरकार को डाली थी, इस विश्वास पर डाली थी कि हमारे ये खरे उतरेंगे। लेकिन MSP की जो इन्होंने टीम अभी गठित करी है, अपने जो साहूकार थे उन लोगों के द्वारा ही गठित करी है, उसमें कोई भी निर्णय नहीं निकला है। किसान, हर किसान परेशान है, कलेक्ट्रेट से या गन्ना मिल से या प्रशासन से बहुत परेशान है किसान। एक चीज़ बहुत बड़ी यहाँ देखने को मिली है, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ मौजूद थे, एटा से, मैनपुरी से, आगरा से, मथुरा से, बहुत जगह के लोग यहाँ मौजूद थे। कहीं पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं दर्द है, उनको अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय किसान यूनियन अजगर के माध्यम से आज यहाँ पटना बिहार से भी अध्यक्ष आए हुए हैं आपके सामने, गोंडा से भी, केरल से भी और पंजाब से भी कुछ अध्यक्ष हमारे यहाँ आए हुए थे। हर भारतवर्ष का किसान यहाँ पीड़ित है, इसीलिए आज इस नवनिर्माण भारतीय किसान यूनियन अजगर का संगठन का नवनिर्माण किया गया है। इसलिए तो घिटोरा गांव में ही क्यों, कोई बड़ी सभा क्यों नहीं? मैं आपसे सवाल, मैं नौरंगपुर से सुखपाल नागर, भारतीय किसान यूनियन अजगर से। नई संगठन बनाने की जरूरत पड़े, इसलिए पड़ी, किसान पीड़ित है, शोषित है, देश का अन्नदाता है, आज परेशान है। डाई के दाम ले, डीजल के दाम ले, रसोई गैस के दाम ले, एक कीटनाशक के दाम ले, इतने बढ़ा दिए गए कि जबकि हमारे फसल के दाम कुछ नहीं है। जब किसान कहती है मैं गन्ने के पैसे टाइम पे दे रही, गन्ने के पैसे बिल्कुल टाइम पे नहीं मिल रहा, किसान परेशान है, सरासर झूठ है, किसान बिल्कुल झूठ और फरेब भी है। ये किसान के पक्ष में हो ही नहीं सकती। हमारा किसान इतना दुखी है, जब किसान अपनी फसल को पैदा करता और बाजार में लेकर जाता है तो उसका कोई कीमत और रखता। आप नोएडा में रहते हैं, वहाँ तो इंडस्ट्री एरिया है, किसान कम है, इंडस्ट्री ज़्यादा है, जमीन अभी भी आपकी है, कहीं बाहर में स्पोर्ट सिटी बना दी गई है। स्पोर्ट सिटी में कुछ भी रोजगार नहीं किसानों के लिए। 5000 बीघे जमीन पर जेपी ने एक बार करके जेपी को दे दी गई है, वहाँ बेरोजगार किसान है। कोई उद्योग इमरजेंसी क्लॉज लगाकर उद्योग के नाम पर हमारी जमीन ले ली गई और आज एक भी फैक्ट्री नहीं लगी वहाँ पर। किसान बेरोजगार है, न कोई नौकरी है, ना कुछ है, बिल्कुल परेशान। किसान पीड़ित है, अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए यहाँ घिटोरा गांव में लोग आया, किसान आया है। अपना परिचय देंगे, कहाँ से आए हैं? बाबूराम फौजी, नोएडा से आए हैं, राष्ट्रीय भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय, इसमें राष्ट्रीय अजगर, भारतीय किसान यूनियन अजगर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य हैं। तो हम जो है नोएडा से आए हैं, किसान हैं और वहाँ पर बहुत ही पीड़ित लोग हैं। राज्यों से यहाँ लोग आए थे? कई राज्यों से आए हैं, लगभग पूरे देश से लोग, पूरे देश से आए हैं, जहाँ भी हमारी यूनियन, सब जगह से आए हैं। बाकी यही कहना, केरल से, बिहार से, राजस्थान से, पंजाब से और बहुत सारे जो अन्य प्रांत हैं उनके लोग आए हैं, भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे, उपस्थित थे। तो सतपाल मलिक जी क्या कह के गए हैं? सतपाल मलिक जी हमेशा किसानों के साथ रहे हैं और किसानों के साथ रहेंगे, और उन्होंने यही कहा है कि जो भी समस्या होगी अगर मेरे तक पहुंचेगी मैं उसको हमेशा सॉल्व करूंगा। और बाकी हर जगह के किसानों के अलग अलग बहुत वो हैं, समस्याएं हैं, जैसे नोएडा की हैं, 5% 10% के प्लॉट नहीं मिल रहे हैं, कुछ लोगों को मिल गए, एक भाई को मिल रहा है, एक भाई को नहीं मिल रहा है,
और अभी उन्होंने जो एक नया कर दिया है कि 18 साल से ऊपर के बच्चों को 450 मीटर का प्लॉट मिलेगा, बाकी नीचे वालों को नहीं मिलेगा। किसी भाई का जो है, दो भाई हैं तो उनमें से एक रह गया, एक मिल जाएगा। और लोग मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के, क्या नाम है साहब? मेरा शर्मा यादव, राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ। आप कहाँ से आए हैं? हम नोएडा से आए हैं। आप भी नोएडा से? नोएडा से आए हैं। प्रांत से लोग आए थे यहाँ? यहाँ पे प्रांत तो खैर कई नहीं है, लेकिन जिले कई हैं। नहीं, पूरे भारत के, पूरे भारत से, अनेक राज्य से यहाँ लोग आए थे सतपाल मलिक जी को सुनने के लिए। वो किसान के साथ रहते हैं, इनका यही कहना है और किसान की आवाज़ उठाते हैं। उन्होंने यही कहा है कि जगह जगह जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जो अपना DM ऑफिस, SDM ऑफिस जो प्रदर्शन हो रहे हैं, किसान MSP को लेकर के परेशान है, दुखी है। अगर जो ये लागू नहीं हुआ, बड़ा आंदोलन करेंगे। यही इनका कहना है कि आंदोलन करेंगे अगर जो MSP की गारंटी नहीं हुई, गारंटी नहीं होती तो बड़ा आंदोलन होगा। घिटोरा से ओंकार मीडिया 24/7, धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।